हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे वेजिटेबल ग्रीन सूप कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमको चाहिए 250 ग्राम मटर, 3-4 तेज पत्ते, एक कटा हुआ प्याज, 3-4 कलियां लहसुन की कटी हुई, थोड़ा सा पनीर, गाजर, उबले हुए स्वीट कॉर्न, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च, 2-3 टुकड़े दालचीनी, नमक, 1 चम्मच तेल, 1 फ्राई पैन में तेल डालकर थोड़ा गरम करेंगे। उसमें दालचीनी, तेज पत्ते को डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। उसमें जीरा, लहसुन, प्याज डालकर थोड़ा सा भूनेंगे और उसमें मटर डालकर पानी, और नमक डालकर उबलने देंगे। थोड़ी देर बाद उबलने के बाद चेक करेंगे कि हमारी मटर उबली है या नहीं। उसके बाद उसमें से तेज पत्ते और दालचीनी को अलग कर लेंगे और मटर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। और फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर डालकर गाजर, स्वीट कॉर्न को फ्राई कर लेंगे और उसमें पनीर, और पिसी हुई मटर डाल लेंगे। और अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और 5 मिनट तक उबलने देंगे। फिर उसमें काली मिर्च डालकर मिला लें। और आपका वेजिटेबल ग्रीन सूप तैयार है। इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से क्रीम, स्वीट कॉर्न और गाजर से गार्निश करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।